हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर ये मोती बुनाई लेके आई हूँ। जिस तरह से मोती वर्क होता है उसी तरह से ये बुनाई लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, इस बुनाई को आप बच्चों के प्रोजेक्ट में डालिए, कार्डिगन में डालिए, जैकेट में डालिए, स्वेटर में डालिए, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। फ्रेंड्स, डलने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स 4 के मल्टीपल में फंदे लेके 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए। जैसे इस तरह से 4 4 काउंट करते जाएंगे तो लास्ट में मेरे यहाँ पर 3 फंदे रहने चाहिए। तो इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे लिए हैं। डिज़ाइन बनाने से पहले अगर फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बना के कंप्लीट किया है। तो देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 के मल्टीपल में फंदे लेके 3 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ये हम पहली सिलाई है, सीधी साइड है। पहली सिलाई को, पहले फंदे को स्लिप करके हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट का जो फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे। अब आ गए हैं डिज़ाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। इस सिलाई को भी फ्रेंड्स हम पहले फंदे को स्लिप करके सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये लास्ट का फंदा है, इसे हम धागा पीछे करके सीधा ही बनाएंगे। तो ये मैंने अपनी दूसरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं, ध्यान दीजिए, डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को, पहले 3 फंदे हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। 3 फंदे हम स्लिप करेंगे। अगला जो है चौथा फंदा है, इसे हम ऐसे सिलाई नहीं डालेंगे, इसके बीच से इस होल से सिलाई डालेंगे और हम ये दूसरा धागा यहाँ पर अटैच करेंगे। इस तरह से एक फंदा यहाँ से बनाएंगे, एक फंदे से, यानी कि हम 4 फंदे बनाएंगे। अब इसे जैसे सिंपल फंदा बनाते हैं, इस तरह से हम सीधा फंदा बनाएंगे। फिर से हम तीसरे फंदे ऐसे बनाने के लिए धागा लपेटेंगे और चौथा फंदा फिर से हम सीधा बनाएं। यानी कि यहाँ पर मैंने एक फंदे से ये 4 फंदे बनाए। फिर से हम 3 फंदे स्लिप करेंगे। फिर से चौथा फंदा है, इसमें से फिर से यहाँ होल से निकाल के हम एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा बनाया, फिर यहाँ ऐसे जैसे सिंपल फंदा बुनते हैं ऐसे एक फंदा और बनाया, 2 फंदे, तीसरा फंदा हम धागा लपेट के बनाएंगे और चौथा फंदा हम फिर से सीधा बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फंदे से 4 फंदे बनाए, फिर से 3 फंदे स्लिप किए, फिर से यहाँ पर इस तरह से सिलाई डाली, फंदा बनाया, एक फंदा ऐसे सिंपल फंदा बनाएंगे सीधा, दूसरा फंदा, फिर से हम ऐसे धागा लपेट के और ये चौथा फंदा, ये हम 4 फंदे बनाए। तो 3 फंदे अब हम फिर से स्लिप करेंगे, फिर से हम इसी होल से पीछे से निकाल के एक फंदा ऐसे फिर से, फिर धागा लपेट के बनाएंगे, तीसरा फंदा है ये, फिर से बनाएंगे चौथा फंदा, एक फंदे से 4 फंदे बनाए, फिर से हम 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर से यहाँ होल से निकाल के हम एक फंदा सीधा,
फिर से एक सिंपल फंदा, फिर से धागा लपेट के और फिर से सीधा फंदा। यहाँ पर हमने एक फंदे से चार फंदे बनाए, फिर से ये तीन फंदे हैं, इन्हें हम स्लिप करें इस तरह से। अब आ गई हैं इसकी फोर्थ सिलाई और डिज़ाइन की उल्टी सिलाई की तरफ। फोर्थ सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान दीजिए, तीनों फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेके जाएंगे। अब जो ये तीन एक फंदे से मैंने चार फंदे इकट्ठे बनाए थे, इन्हें हम ऐसे सिलाई में डालेंगे और सभी फंदों को इकट्ठा सीधा ही बना लेंगे इस तरह से। फिर से धागा अपनी ओर लेके आएंगे और जो ये तीन फंदे स्लिप किए थे फिर से इन्हें हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। फिर से धागा पीछे लेके जाएंगे, जो एक फंदे से हमने चार फंदे बनाए थे इन्हें हम इकट्ठा सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी ओर लेके आएंगे, जो स्लिप किए फंदे थे इन फंदों को तीनों को हम स्लिप ही कर लेंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, फिर से वही चीज़ उन्हीं चार फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, तीन फंदे हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर से धागा पीछे, फिर से एक से चार फंदे बनाए थे इन्हें सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए फंदे को स्लिप ही कर लेंगे। फिर से धागा पीछे करेंगे, फिर से हम ये एक इकट्ठे चारों फंदों का एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर और ये तीन फंदे स्लिप थे इन्हें स्लिप कर लेंगे। ये हमारी डिज़ाइन की फोर्थ सिलाई बन के कम्प्लीट है। अब आ गई है फ्रेंड्स फिफ्थ सिलाई है और सीधी सिलाई। इस सिलाई को आप ध्यान दीजिए इसे किस तरह से बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब जो ये फंदा है दूसरा इसे हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसके नीचे से ये होल दिखाई दे रहा, जो ये वाला होल इससे हम ऐसे सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, इस सिलाई में एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे। जो ये बीच वाला फंदा है डिज़ाइन वाला, कलर चेंज है, जो इसे सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, जो तीन फंदे स्लिप किए थे ध्यान दीजिए, इनमें से जो बीच वाला फंदा इसको हम होल से निकाल के बनाएंगे, सीधा फंदा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से ये फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ये बीच वाला फंदा, तीन फंदों के एक फंदा तो ये मैंने बना लिया, एक ही है, इसको हम होल से निकाल के बनाएंगे और सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये सेकंड कलर वाले को सीधा बुनेंगे। धागा अपनी ओर, ये तीन है इनमें से एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, बीच वाले फंदे को बनाएंगे होल से निकाल के, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, जो बीच वाला फंदा है इसे ऐसे होल से निकाल के बनाएंगे, सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, एक फंदा इन तीन में से उल्टा, धागा पीछे, बीच वाले फंदे को ऐसे हम होल से निकाल के बनाएंगे और जो लास्ट का फंदा है स्टिच इसे भी सीधा ही बुन लेंगे। ये हमारी फिफ्थ सिलाई उल्टी साइड से बुनकर कंप्लीट है। अब आ गए हैं हम सिक्स्थ सिलाई की तरफ, यानी कि छठी सिलाई की तरफ। पहले फंदे को स्लिप करके सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे ये हमारी छठी सिलाई है और डिज़ाइन की उल्टी सिलाई है। इस सिलाई को फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बना देंगे
बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, मोती वर्क का डिज़ाइन है, इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। लास्ट के फंदे को बना लेंगे सीधा। तो फ्रेंड्स ये हमारा 6 सिलाई का डिज़ाइन है। अब हम फिर से जैसे मैंने पहली सिलाई बनाई थी सीधी साइड से उल्टी उल्टी बनाएंगे, फिर से हम उल्टी साइड से उल्टी उल्टी जैसे पहली सिलाई बनाई थी उसी तरह से हम बनाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स कुछ सिलाइयाँ बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ सिलाइयाँ बनने के बाद फ्रेंड्स हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, डालने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। मोती वर्क का डिज़ाइन, जिस तरह से मोती होते हैं उसी तरह से ये डिज़ाइन बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली नई नेक्स्ट वीडियो के साथ।